अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको टोरंटो लेकर आई हूँ, टोरंटो डाउनटाउन। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, देखें कितना पुराना शहर है ये। इतना पुराना है कि यहाँ पे जब आए तो आपको कार पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती, और बहुत मेहनत करके ढूंढनी पड़ती है जगह, और अगर जगह मिल जाए तो फिर आपको पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं, कई दफ़ा $20, कई दफ़ा $40, कई दफ़ा पर आवर। चलें, आज हम CNE जा रहे हैं, और जाने से पहले आपने सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है। भाई बीनबाजी को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्यों नहीं करते? इतना कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, पार्किंग की जगह मिल गई है बड़ा घूम फिर के, और ये डफरिन स्ट्रीट है टोरंटो में। यहाँ पे हमें एक स्पॉट पे जगह मिल गई है, $20 दिए हैं, और अब हम जाने लगे हैं CNE की तरफ। CNE क्या है? कैनेडियन नेशनल एग्जिबिशन, हर साल होती है। मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, वॉक करके जा रहे हैं हम। अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। ये देखें जी, ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, सामने आपको मीनारे पाकिस्तान, नहीं CN टावर नज़र आ रहा है, सॉरी, मैं CN टावर को मैं मीनारे पाकिस्तान समझ बैठी हूँ। बस वो एक पाकिस्तानी है ना, तो वो अंदर ही अंदर लाहौर की याद। तो आज मैं आपको कनाडा का जो CNE दिखाने लगी हूँ, ये एग्ज़िबिशन, ये थोड़े सी लाहौरी ट्विस्ट के साथ दिखाऊँगी। लाहौरी चस्के तो यहाँ पे पता नहीं मिलते हैं कि नहीं, लेकिन क्योंकि हम लाहौरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो आपको एक कैनेडियन पाकिस्तानी ट्विस्ट नज़र आएगा। जी आज मंडे है, और मंडे के हिसाब से बहुत रश है। हम लोग ये सोच के आए थे कि इतना रश नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश है। और ये मेरा अमालनामा, नहीं मेरा अमालनामा नहीं, टिकट्स हैं भाई, और टिकट्स ले लिए हैं, लेकिन बस स्काई राइड पे जाने का, यानी कि चेयर लिफ्ट पे जाने का प्लान है। और यहाँ पे जो राइड्स हैं, जितना मैंने पढ़ा है, कोई इतनी बहुत फास्ट राइड्स हैं, और मुझे और मेरे बच्चों को तो चक्कर आ जाते हैं। तो स्काई लाइन पे हम जो स्काई राइड है उस पर एक बार हम बैठेंगे, और वहाँ से मैं आपको सारा व्यू दिखाऊँगी टोरंटो का, और CNE ग्राउंड्स का व्यू कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह के स्टॉल हैं। और ये एक फ्री बस बीच में चल रही है, लेकिन उस पर इतने लोग हैं कि मतलब जगह ही नहीं है, तो फिर हम कैसे बैठ सकते हैं? इतना वेट तो नहीं मैं कर सकती, तो वॉक करना ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी वॉक करना हेल्दी है, तो वॉक 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 करें और टॉक करें। साइकिक वर्जन जाना चाहती थी। Polishing clocks. No, I'm just, I'll just like the design, so I'm just looking at them. Can I do that? I don't mind if you take a picture. भाई इस दुकानदार को तो गुस्सा ही आ गया। मैंने उसकी ज्वेलरी की पिक्चर्स क्या ले ली हैं, अब व्लॉग क्या बना रही हूँ। वो तो मतलब थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया कि भाई क्यों आप वीडियो बना रही हो, मेरे डिज़ाइन चुराने हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो बस व्लॉग बना रही हूँ, अप्रिशिएट कर रही हूँ चीज़ों को और लोगों को दिखा रही हूँ। तो चलें बस यहाँ से, फिर मैंने कहा इस साइड से तो निकलती हूँ। ये एक छोटा सा हॉल है जहाँ पे डिफरेंट क्राफ्ट्स और पेंटिंग्स और
इस तरह की लैम्प्स और इस तरह की चीज़ें। और बस ये हम वॉक करते हुए आ गए हैं स्काई राइड की तरफ। बहुत मज़े की चीज़ है, यहाँ से पूरा व्यू नज़र आएगा, सामने फेरिस व्हील है और ये हम चलते हैं इसकी तरफ। इसकी इतनी लंबी लाइन है, ये याद रखें कि जो भी यहाँ पे आएंगे वीकडेज में आए, वीकेंड पे तो इतनी लंबी लाइनें होंगी कि आपको बहुत देर खड़ा होना पड़ेगा। ये देखें मंडे है और रश का लेवल चेक करें तो कोशिश करें कि ऐसे टाइम पे आएँ, मतलब वीकडेज़ में आएँ। ये वीकडे का हाल मैं आपको बता रही हूँ, मंडे का, तो सोचें कि वीकेंड्स पे कितना रश होगा। तो एक तरफ फेरिस व्हील है, एक तरफ ये लोग चल रहे हैं, कुछ लोग हवा में हैं, कुछ नीचे हैं और हम इन सबको देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। चलें अब बस मेरी भी बारी आने लगी है। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बर्ड हूँ और बर्ड्स आई व्यू की नज़र से उस एंगल से मैं देख रही हूँ टोरंटो को। ये देखें जब बर्ड्स फ्लाई करते होंगे तो उनको भी ऐसा ही लगता होगा ना। तो ये जो सामने वाली चेयर लिफ्ट है, ये इसमें मेरे बच्चे बैठे हैं दोनों, और मेरी बेटी को इतना डर लगता है, उसको बहुत प्रॉमिसेस करके मैं लेकर आई हूँ कि नहीं अपना डर ख़त्म करो और आप बस यकीन करें कि वो बैठी हुई है स्टक होके एंड शी इज़ लाइक बहुत ज़्यादा टेंस है। आई कैन जस्ट टेल यू, मैं सामने उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रही हूँ, बिल्कुल सर स्टक है और बस परेशान है कि अब कब उतरूँगी और कैसे होगा। लेकिन हमेशा अपना डर ख़त्म ज़रूर करना चाहिए, तो मैं उसको ये प्रॉमिस करके लाई हूँ। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इतने लोग हैं, इतनी आवाम है कि आवाम इतने वेले हैं और मेरी तरह के और भी वेले हैं। खैर मैं तो इतनी वेली नहीं हूँ, लेकिन ये सब इनके पास इतना टाइम है। ये देखें, ये देखें, ये कहीं पागल होके ही ना उतर आए नीचे। मतलब इतनी इतनी स्पीड में अगर आपको घुमाएंगे तो चांसेस आए कि आपका जो ब्रेन है वो भी घूम सकता है। तो क्यों आप अपने ब्रेन को इतना घुमाएंगे? आप मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह की राइड्स करते हैं, इस तरह की राइड्स। अब ये वाली राइड देखें, क्या लाइक आप लोग करते हैं ये वाली राइड्स? आप लोगों को पसंद है? अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं यंग थी उस वक्त तो शायद मैं कुछ राइड्स कर लेती इंजॉय, लेकिन अब शायद आई थिंक इट्स माई मिडल एज लाइफ क्राइसिस दैट्स गोइंग ऑन। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को शौक़ है या नहीं। मेरे तो सारे इस तरह के शौक़ ख़त्म हुए हैं, और मैं सिर्फ इस वक्त सामने अपने बच्चों को देख रही हूँ जो सामने वाली चेयर लिफ्ट पर बैठे हैं और वो दोनों ऐसे स्टक होके बैठे हैं। तो ये देखें लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, आवाम ही आवाम, खाने चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ है, खाने पीने की हर चीज़ है, लेकिन इनके पास स्पाइसी बिरयानी नहीं है कराची वाली। हॉट डॉग्स हैं, फ्राइज़ हैं, जिनसे हम लोगों का गुजारा बस गुजारा ही हो सकता है। काश यहाँ पे बिरयानियाँ मिल रही होती, निहारियाँ मिल रही होती, चरगे, टिक्का। उफ़ क्या याद आ गया। जी हमारा भी उतरने का टाइम आ गया और ये हम उतर गए, मैं उतर गई, बच्चे भी उतर गए। और ये रश चेक करें, लोगों का हजूम है। चलें जी, बिरयानी तो नहीं मिलेगी तो चलें, हमने सोचा है प्रोटीन फ्राइज़ और इस तरह के दूसरे जो कर्ली फ्राइज़ हैं, इस टाइप का कुछ ले लेते हैं। मैंने चीज़ फ्राइज़ ऑर्डर किए हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हैं इनके रेट्स, बिकॉज CNE में बैठे हुए हैं तो उन्होंने भी डॉलर बनाने हैं और हमसे ही लेके बनाएंगे ना डॉलर। तो और उसके साथ ड्रिंक एक मस्ट है भाई, बहुत प्यास लग गई है, काफ़ी रश है और अजीब सा, तो कुछ पीने का भी मूड है। तो यहाँ पे ये बड़े अच्छे अच्छे पाइनएप्पल के ये देखें कितने मज़े के इसके अंदर वो ड्रिंक बना के देंगे। ये देखें वो थिक स्लश सा बनाया है उसने, पाइनएप्पल चंक्स डाले, आइस क्यूब डाले और इसके अंदर ये इसने सर्व किया है, ज़बरदस्त। ठीक है,
she gets it right here. Here you go. It's a little tiny teddy bear. जी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स थी, नॉट रियली डिफरेंट, लेकिन हर एक का मकसद ये था कि आप पैसे बना लो, एक डॉलर दो और उससे पता नहीं 10 बना लो, या पता नहीं इतने 1000 आपको फ्री मिल जाएंगे, जो कि इस ये राइट देखें ज़रा। हाँ तो इस तरह की, जैसे अगर ये वाली बॉटल्स में आप डाल रहे हैं तो इतने का आपका प्राइस निकल आएगा। वेल आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे ये टेडी बियर पकड़ के दे दें, लाइक मेरे बच्चे भी इतने छोटे नहीं हैं कि वो खुश हो कि यूँ करें और कहें कि ओ वाओ टेडी बियर मिल जाएगा, नो। और 10 20 15 डॉलर या जितने भी बिडिंग का सीन है तो वो हम लोग तो अवॉइड करते हैं, हम लोग तो नहीं उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते। तो बस एक ज़रा सा इस चीज़ का व्यू लिया, इन्जॉय किया टोरंटो की वाइब्स को, टोरंटो शहर को, डाइवर्सिटी को, मल्टी कल्चरिज्म को, इतना मज़ा आया डिफरेंट लोगों को देखने का, एक अलग ही रौनक होती है इस तरह की जगहों पे। तो बस अब हम वापस जाने लगे हैं, शाम हो गई है और आपको आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और CNE की वेबसाइट का लिंक और वो मैं टिकट्स की जो प्राइसेस हैं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर। और ये देखें जी, वो सामने रहा मीनार पाकिस्तान, टोरंटो का CN टावर और लाहौर का मीनार पाकिस्तान। चलें, थैंक यू सो मच। आपको व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।